चीन अब चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है दोस्तों। अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया है दक्षिण चीन सागर में, और इस वक्त समझ लो कि चीन बहुत पूरी तरह से घिरा हुआ है चारों तरफ से। उधर जापान भी अपना एक युद्धपोत तैयार वहाँ किया है, तैनात कर दिया, उस पर F-35 जो लड़ाकू विमान उसको भी तैनात कर दिया है। उधर ऑस्ट्रेलिया भी उधर से कोशिश कर रहा है सब कुछ। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच इस वक्त काफ़ी विवाद हो गया है प्रेजेंट टाइम में, कई सारे प्रतिबंध भी चीन ने ऑस्ट्रेलिया पे लगा दिया है। दक्षिण चीन सागर में चीनी ड्रैगन की बढ़ती दादागिरी पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब आपको बस हल्के में नहीं लेना, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अगर कहीं पे लग जाता है सोच कितना बड़ी बात होती है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में ये तीनों एयरक्राफ्ट तैनात हुए हैं। कई सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कि किसी क्षेत्र में 3 अमेरिकी विमान वाहक पोत गश्त कर रहे हों, तो समझ लो कितना हाई अलर्ट है इस वक्त। इसके अलावा अमेरिका ने क्या किया है कि क्रूज़र, विध्वंसक पोत, लड़ाकू विमान और जो ड्रोन होता है निगरानी करने के लिए ड्रोन विमान होता है ना, उसको भी वहाँ पे गश्त पे लगा दिया है। तो विश्लेषकों का ये मानना है कि यह अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव से प्रभावित हिंद और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना के बड़े शक्ति प्रदर्शन को दर्शाता है। खासकर जो दक्षिण चीन सागर है ना, उसमें अरबों डॉलर का भंडार हुआ है, मतलब खरबों डॉलर का भंडार भरा हुआ है, जिसमें चीन अवैध रूप से उस द्वीप बना रहा है, मतलब आर्टिफिशियल द्वीप होता है ना कि समुद्र के बीच में जाओ माटी बहुत सारा गिरा के द्वीप बना लो, कब्जा कर लो पूरा, तो चारों तरफ से वो कब्जा करते चला जा रहा है दक्षिण चीन सागर को पूरा, कहता है सब कुछ मेरा ही है। बस उसी को देखते हुए चीन को तोड़ने का प्लान पूरी तरह से अमेरिका ने बनाया है, उधर जापान को भी लगाया है, और इधर भारत से तेजी के साथ, जैसे जैसे भारत से विवाद हो रहा है ना सीमा पर, वैसे वैसे वहाँ पे वो अमेरिका अपना को बढ़ा रहा है, सैन्य शक्ति वहाँ पे बढ़ा रहा है। अगर किसी तरफ से युद्ध शुरू होता है तो समझ लो चीन का बुरा दिन भी शुरू हो जाएगा। चीन को तोड़ने की पूरी तरह प्लान बन गई, इधर तिब्बत को अलग करना है, उधर हांगकांग की जो मैटर चल रहा है उसको भी सुधारना है, उधर ताइवान विवाद है उसको भी सही करना है, मतलब ऐसे कई सारे विवाद है चीन के। इधर भारत को अपना अक्साई चीन और तिब्बत को अलग करना बहुत ज़रूरी हो गया है, ऐसी कई सारी बातें हैं। अब अंदर से क्या प्लान है ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो मैं अपने मर्जी से ये सब सारी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो रियल न्यूज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो रियल न्यूज़ है कि वहाँ पे अमेरिका ने 3 युद्ध पोत तैनात कर दिया है। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों ये कि इतना सारा मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे लगा देना, ये बहुत बड़ी बात होती है, इतना आसान नहीं होता ये चीज़ें, ये सब अक्सर क्या होता है ऐसे जगह पे लगाए नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी इस पे लगाया गया। और चीन भी चुप नहीं है, चीन भी मतलब धमकियाँ दे रहा है, वो भी अपना कोशिश कर रहा है लगाने के लिए। उधर ऑस्ट्रेलिया तो अपना काम कर ही रहा है, और भारत भी ऑस्ट्रेलिया से समझौता भी कर लिया है, और अमेरिका तो सब जानते हो समझौता हुआ ही है खासकर चीन के खिलाफ। तो ऐसे कई सारी बातें हैं, अब देखो आगे क्या होता है। दिलचस्प ये है कि अब आगे क्या होता है। तो ये छोटी जानकारी आपको देनी थी इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कोई और सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जो लोग नए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।